आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रिय छात्रों, देखिए आपको दिया है प्रश्न में ए कामा जीरो तथा बी कामा जीरो ऐसे बिंदु हैं जहां पर वक्र, जो वक्र दिया है, एक्स एच को पहली तथा दूसरी बार काटता है, ठीक है, तथा ए और बी एक्स एच द्वारा एक्स इक्वल टू जीरो तथा एक्स इक्वल टू ए तथा एक्स इक्वल टू बी के मध्य बनने वाला क्षेत्रफल है। तो हमें ये जो विकल्प दिए हैं, उन इन विकल्पों में कोई ना कोई एक उत्तर चुनना। तो देखिए, हमको फलन या वक्र दिया है, वाई का मान दिया है, वाई बराबर है साइन टू एक्स माइनस रूट थ्री साइन एक्स, ठीक। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन टू एक्स को टू साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस रूट थ्री टाइम साइन एक्स, ठीक है। तो इसको हमने साइन एक्स कॉमन लिया यहां से, तो यहां से टू टाइम्स कॉस एक्स माइनस रूट थ्री, ठीक है। इसका मान कर क्या कर दिया, शून्य कर दिया। यहां से मिला साइन एक्स शून्य मिल गया तथा कॉस एक्स का मान मिला रूट थ्री बाई टू, ठीक है। देखिए एक्स जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि ए और बी क्या है, जीरो से बड़े हैं। तो एक्स का न्यूनतम मान जब आपका साइन एक्स जीरो क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। और यहां से एक्स का मान मिलेगा आपको पाई बाई सिक्स, ये हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा बी, ठीक है। ए और बी बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या बी हो जाएगा, ए बी का मान मिल गया हमको। देखिए अब हमारा क्षेत्रफल ए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए हो जाएगा समाकलन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से जाएंगे एक्स इक्वल टू ए यानी पाई बाई सिक्स तक, ठीक है। हम पाई बाई सिक्स तक है और फलन लिया साइन टू एक्स माइनस रूट थ्री टाइम्स साइन एक्स, ठीक है। इस तो इसका दाहिना पक्ष आएगा आपका, वो होगा साइन टू एक्स का समाकलन होगा माइनस कॉस टू एक्स बटा दो, ठीक है, और साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा रूट थ्री टाइम्स कॉस एक्स, ठीक है। और इसकी सीमाएं रहेंगी जीरो से लेकर के पाई बटे छः तक, इसका हमारा आपका दाहिना पक्ष आ जाएगा माइनस एक बटा दो और यह आ जाएगा कॉस टू एक्स यानी कॉस पाई बाई सिक्स, तो कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री होगा एक बटा दो माइनस आपका एक लग के आएगा, ठीक है, प्लस रूट थ्री कॉस एक्स कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स हो जाएगा आपका रूट थ्री बाई टू और एक्स का मान जीरो पड़ेगा, कॉस जीरो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, ये आपका दाहिना पक्ष आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा एक बटा दो माइनस एक माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा दो से थोड़ा होगा क्या होगा एक बटा चार आ जाएगा, धन इसका रूट थ्री से रूट थ्री गुणा होगा तीन बटे दो माइनस रूट थ्री, इसका जब समाकलन करेंगे तो सात बटा चार माइनस तीन माइनस अंडर रूट तीन आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा सात बटा चार माइनस रूट थ्री। अब बी के मान निकालते हैं हम लोग, ये बी के मान का समाकलन क्या होगा, पांच बटे पाई बाई सिक्स से लेकर पाई तक और समाकलन हो जाएगा साइन टू एक्स माइनस रूट थ्री टाइम साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका जो समाकलन आएगा माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ठीक है, और इसका आएगा रूट थ्री कॉस एक्स, तो इसका जो समाकलन आएगा पाई बाई सिक्स से लेकर के पाई तक, ठीक है। तो इसका दाहिना पक्ष आ जाएगा माइनस एक बटा दो और कॉस टू पाई क्या होगा, कॉस टू पाई एक होगा आपका माइनस कॉस टू टाइम्स पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक बटा दो हो जाएगा, ठीक है, एक माइनस एक बटा दो प्लस अंडर रूट ऑफ तीन। अब कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस पाई क्या होगा माइनस वन, आपका माइनस वन हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स क्या होगा माइनस रूट थ्री बाई टू, ठीक है। तो ये इसका जो समाकलन आएगा दाहिने पक्ष का वो आएगा ये आपका माइनस एक बटा दो है,
देखिए यहाँ पे ये जो है हम ऋण ऋण छीन लेंगे, ठीक है, तो ये पूरे का ऋण ऋण से गुणा होगा, क्योंकि हमारा जो फलाने क्षेत्र में नकारात्मक है, ऋणात्मक है, तो इसको हम माइनस साइन लेंगे पहले, ताकि क्षेत्र होता है धनात्मक होता है, ठीक है। यह आ जाएगा माइनस ब्रैकेट, आप देखिए इसका इसका गुणा होगा, ये क्या 1/2, तो हो जाएगा माइनस 1/4, ठीक है, प्लस √3, √3 का माइनस रूट जुड़ा होगा तो माइनस √3, फिर यह होगा माइनस √3 से तो हो जाएगा 3/2। अब इसको फिर से करेंगे तो आएगा 1/4 धन 3/2 धन √3, ठीक है, 1/4 धन 3/2, तो यह आ जाएगा आपका दाहिना पक्ष, आ जाएगा 7 × 3 = 7/4 धन √3, ठीक है, ये आपका बी आ जाएगा। अब देखिए विकल्प ए चुनते हैं, विकल्प ए क्या दिया हमको, विकल्प ए दिया है आपको, ये विकल्प दिया है 4a + 8cos a, ये cos a है और 7, अगर ए विकल्प लेते हैं तो 4 4a, a का मान क्या है, a का मान है 7/4 -√3, ठीक है, तो 7/4 -√3 धन 4 × cos a, cos a क्या है, cos π/6, cos π/6 तो होता है √3/2, इसका मान क्या जाएगा, इसका मान निकालते हैं तो 4 से गुणा होगा 7/4 -4, यहाँ पे 8 है प्रश्न, इस प्रश्न में 8 है, ठीक है, तो -4√3, ठीक है, +4√3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 7, ठीक है, यानी विकल्प ए सही है, यानी ये विकल्प सही है आपका, ठीक है। विकल्प बी का मान लेते हैं, विकल्प बी में क्या दिया है, विकल्प बी में दिया है a × b, अगर ए बी गुणा किया है तो क्या मिलेगा हमको, ए बी, ये क्या है 7/4 -√3 गुणते 7/4 धन √3, ठीक है, इसका मान क्या जाएगा 49/16 -3, ठीक है, तो 16 × 48 होगा, 1/16 आएगा, तो एक आ जाएगा 1/16, यानी ये विकल्प भी सही है, ये विकल्प भी सही है। अब चलते हैं तीसरे विकल्प पे, ठीक है, 4a + 4b +14 × cos b, ठीक है, इसमें लिखा 4 गुणा करें a से और 4 गुणा करें b से और 14 गुणा करें b cos b से, इसका मान आ जाएगा 7/4 √3 धन 4 × 7/4 धन √3, ठीक है, धन 14 × cos b, cos b क्या होगा आपका cos π, ठीक है, इसका जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये जो धन है ये ऋण से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो आ जाएगा 14, ठीक है, और cos π क्या होता है -1 तो -14, ठीक है, ये शून्य है, इसका ये विकल्प भी सही है इसमें, ठीक है। अब तीसरा विकल्प लेते हैं हम डी, ठीक है, तो b माइनस a करते हैं, b में से a को घटाएं तो क्या मिलेगा, b माइनस a, हम लोगों ने b क्या निकाला था, b निकाला था 7/4 धन √3, ठीक है, इसमें से अगर a को घटाया जाए, a क्या निकाला था 7/4 -√3, देखिए ऊपर मान देखिए इसका, b का मान क्या है 7/4 धन √3, a का मान क्या है यहाँ पे 7/4 -√3, ठीक है, इसको अगर आप घटाएंगे तो मिलेगा हमको √3 से कैंसिल हो जाएगा, 7/4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2√3, ठीक है, अगर अगर इसका दायां पक्ष लेंगे तो क्या जाए हो जाएगा, होगा क्या दिया है 4cos a, ठीक है, 4cos a, और cos a का मान क्या है 4 × cos a आपका π/6, ठीक है, cos है आपका π/6, तो ये हो जाएगा 4 √3/2, तो हो जाएगा 2√3, ठीक है, तो इसमें क्या है b माइनस a का मान क्या है 4cos a के बराबर, ठीक है, यानी ये विकल्प भी सही है, यानी इस प्रश्न में जाएंगे ये बहुविकल्पी प्रश्न है, ऐसा विकल्प है जिसमें आपको चारों के चारों मान सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही निकल के आ रहा है, ये भी सही निकल रहा है, ये भी सही निकल रहा है, ये भी सही निकल रहा है, ठीक है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।